हेलो गाइस, वी आर बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, आज हम एक न्यू सिमुलेटर गेम खेलने वाले हैं जो आने वाला है रिटेल कंपनी सिमुलेटर। देखो, आप लोगों ने बहुत सारे सिमुलेटर गेम खेले भी होंगे और देखे भी होंगे, ठीक है। कभी कभी हमारे पास ग्रोसरी शॉप का होता है, कभी हमारे पास जिम स्टोर होता है एंड बहुत अदर अदर स्टोर होता है, ठीक है। बट इस वाले गेम के अंदर हमारे पास एक होने वाला है हमारे खुद का क्लोथिंग स्टोर, ठीक है, जिसमें हम लोग नए नए कपड़े को ऐड करेंगे, ब्रांड से कपड़े लेंगे और अपने शॉप पे लगाएंगे, ठीक है। जब वो बिकेगा तो हमारे हमको उसको कमीशन मिलेगा एंड हमारे पे होगा बहुत सारा पैसा और उस पैसे से हम लोग अपने स्टोर को अपग्रेड कर सकते हैं और रईस छा सकते हैं अपनी सिटी के अंदर, ठीक है। तो बहुत सारा मजे आने वाले हैं, ठीक है। तो बड़ा बड़ा लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि 5000 सब्सक्राइबर के हम बहुत करीब है एंड बहुत ज्यादा एक्साइटेड उस केक को काटने के लिए 5000 के, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अपनी गेम के अंदर एंड इंजॉय करो आप। ऑलराइट गाइस, हमारी गेम यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। और हम लोग आ चुके हैं अपनी समय शॉप के बाहर ही खड़े हुए हम लोग, ठीक है। इसका नाम है रिटेल कंपनी, हाँ इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, मेरे को पता है, ठीक है। बट यहाँ पर भाई सब देख रहे हो कि आजू बाजू में अच्छी जगह है, तितलियाँ भी उड़ रही हैं। हेलो तितली पकड़ूंगा भाई मैं, एक तितली एरी, एक तितली एरी और एक तितली एरी, थोड़े इसको निकलते हैं यहाँ से, ठीक है भाई। तितलियाँ यहाँ तो ओके। तो हमारा जो अभी स्टोर नेम को आई थिंक चेंज करने का है, उस पर क्लिक करने का है। और यहाँ पे देखो हम लोगो वगैरह ले सकते हैं यार। कौन सा लोगो चाहिए ये बताओ, क्या कहते हो? लोगो 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 लोगो। एक काम करते हैं हम ना, कोई अच्छे से एकदम कड़क से ताज़े ताज़े लोगो देखते हैं। और ये वाला लोगो नहीं, ये डायमंड वाला लोगो देते 4 मिनट लगेगा, ठीक है। और हम लोग कंपनी का नाम देने वाले हैं स्टाइलिश दुनिया, क्या बोलते हो? स्टाइलिश दुनिया। फिलहाल के लिए मेरे को ये सोच रहा है, आप लोग कमेंट में बता देना अगर बदलने का हो तो। स्टाइलिश दुनिया, वाओ अमेजिंग। मैं एक अलग ही बिजनेसमैन हूँ, क्योंकि एक शॉप का नाम पर कहाँ जा रहा है बंदे, वो पागल है बुट्ठे बंदे, वो दुकान अभी यार। हाँ, तो मेरे को अपने अपना पहला ऑर्डर लेके आना है, ठीक है। उसका मेरे को वो कॉन्ट्रैक्ट करना है, मतलब ब्रांड से कॉन्ट्रैक्ट करना है, नाइस। उसका मेरे को ऑर्डर लेना है, ओ इसमें ब्रांड के पास। तो पागल वागल है क्या? देखो दिख नहीं रहा दुकान है बंद है, खाली पीली घुसी जा रही है उसके अंदर। हाँ, तो मेरे को अपने पीसी पे जाना है ना, मेरे पीसी, हाँ ये इतना ना, ओके भाई सब मस्त है यार। एप्पल है क्या? हटियो ना, ओ नहीं एप्पल नहीं है, ओके ओके ओके। यहाँ पर बैठते हैं फटाफट से, कॉन्ट्रैक्ट पे जाना है हमको यहाँ पर, और ब्रांड से हमको साइन मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेना है, ठीक है। तो ये वाली जो ब्रांड है ये है हिलरी वेरियस, हिलरी वेलिस या हाइलरी वेरियस जो भी कह सकते हैं, हमको कॉन्टैक्ट कर देते हैं फटाफट से, ठीक है। अब हमको यहाँ से वापस जाने का, हमको यहाँ से मार्केट में जाने का, यहाँ से हमको ऑर्डर लेना, मतलब जो इनके प्रोडक्ट है ना, इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसको हमको खरीदना है, उसमें शॉप पे लगाना है, ठीक है। और जो थोड़ा बहुत बिकेगा उसको हमें कमीशन मिलेगा, बोले तो कमीशन, ठीक है। एड टू कार्ट, डन एंड चेकआउट एंड बाय। अब मेरे को एक चीज पे कितना यूनिट मिलेगा मेरे को पता है कोई? रुको एक मिनट, मैं बाहर जाके देखता हूँ ना एडवर्टाइज मेरा ऑर्डर किधर से आएंगे, पहले मुझे देखने दो। आंटी अगर तुम मेरा ऑर्डर लेके भाग गए ना, मैं तुमको भगा दूंगा फिर। ओके रुको, हेलीकॉप्टर से डिलीवर होगा क्या? पता नहीं गाइस, खाली पीली। हाँ, तो पिक अप द बॉक्स, अनपैक द बॉक्स अंडर प्लेस प्रोडक्ट्स इनटू अ क्लोथिंग रैक, ठीक है। क्लोथिंग रैक तो कोई ये हो गई, ठीक है। पुट एम्प्टी बॉक्स इन द ट्रैश, ओके, एंड सेट अप प्राइस फॉर द प्रोडक्ट, ओके। बट मेरा प्रोडक्ट्स किधर है? अबे तू पागल है क्या? इसमें डंडा वंडा नहीं है मारने के लिए भाई, इनका मैं हिप सुझा दूंगा। खाली पीली बार बार घुसे जा रहा है उसके अंदर। अबे ऑर्डर तो आया नहीं है, मेरा ऑर्डर किधर आएगा? ओ वेट गाइस, ऑर्डर आ भी चुका है यार। ओ ये कौन सा रास्ता है? तो खून की नदियाँ भाई। अच्छा खून नहीं है, अच्छा अच्छा खून ही जैसा कलर है। ओके इसको उठाने का है, और फटाफट से मेरे को क्या करने का है, इसको अनपैक करने का है। तो इसको यहाँ रखने का ना, ओ नाइस, इसको ऐसे लगा दूँ क्या मैं? ओ बहुत बढ़िया, अच्छी ब्रांड है भाई, पिंक कलर का, नाइस है, लड़कियों को पिंक अच्छा भी लगता है, ठीक है। अब इसको वापस से मेरे को डस्टबिन में डालने का है, डस्टबिन ये रास्ट में डाल देगा मस्त भाई। और अब मेरे को प्राइस को सेट करने का है, तो प्राइस हम क्या ही रख सकते हैं, कितना रखूँ प्राइस, ये क्या था, ठीक है वेट, मेरे को प्राइस सेट करने का, तो प्राइस के यहाँ से सेट होगा, हाँ गाइस यहीं से होगा, ठीक है। तो देखो इसकी जो कॉस्ट है वो $2.78 है, ठीक है। तो मेरे को अभी प्रॉफिट जीरो का हो रहा है क्योंकि मैं प्राइस चेंज नहीं कर रहा। तो एक काम करता है, रिकमेंडेड रिटेल प्राइस जो को अभी जो बता रहा है $13 बता रहा है। अरे बाप रे, सच्ची में ऐसे तो मैं भाई लिटरली मेरे बन जाऊंगा ले पैंस की, जो तू कहते हैं वो भाई इतना महंगा बेचूंगा तो पता नहीं। ले अप्रूव कर दिया है मैंने, अब देखते कोई ना कोई आएगा, इसको ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं वेट, फिटिंग रूम में मैंने खरीदना है। अच्छी है फिटिंग रूम, मतलब जो ड्रेसिंग है चेक कर सकते हैं ना वो, ठीक है। तो भाई सब पीसी तो उसका RGB है, ओ हेलो गजब। हाँ, तो मेरे को मार्केट में जाने का, यहाँ से इक्विपमेंट पे जाते हैं, यहाँ से मेरे को फिटिंग रूम लेना है, ठीक है। इसको एड टू कार्ट करते हैं फटाफट से, चेकआउट $500 का ही, कम ऑन मेरे पास कितने पैसा है अभी? ओ मेरे पास इस समय है $1,227, तो मैंने इसको ले लिया, मेरे पे बचे हैं $700, ठीक है नाइस। इसको हटाते हैं, अब मेरा ऑर्डर जो है फटाफट आ भी गया होगा, बहुत बढ़िया। इसको उठाने का है, इसको यहाँ पे प्लेस करने का है, कहाँ लगाऊँ, यहाँ लगा दूँ क्या? बढ़िया सा प्लेस ऑफ फिटिंग रूम। तो एक काम करते हैं ना,
इसको हम लोग ना यहाँ पे लगाते हैं गाइस, क्योंकि फिटिंग क्या है ये यार। हाँ ये तो वेयर हाउस है। फिटिंग रूम किधर होना चाहिए, एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा इधर की तरफ लगाते हैं, इधर की तरफ नहीं, ये एक काम करो फिर इसको ना मैं ऐसे घुमा के, अरे लग जाए यार कहीं तो लगना भाई, ऐसे रोड कम चलेगा। डन, यहाँ पे अच्छा लग रहा है ना, पीछे का काफी स्पेस है, रुक जाओ यार, काफी स्पेस है गाइस, काफी स्पेस है पीछे, अच्छे से लगाओ यार, जगह बचाओ भाई, रुक जाओ। हाँ अब ठीक है, वो इतना एरिया लेगा ही लेगा, ठीक है ऑल राइट। तो हमने यहाँ पे शो कर दिया काम, और अब मस्त यहाँ पे अब कस्टमर आएगा, अपने कपड़े पे पैकेट चेक कर लेगा कि कुछ आ रहा है, ओपन द स्टोर एंड ठीक है आ जा भाई। अरे वाह बंदा है, ओए एक काम करते, लड़की के कपड़े कैसे ले रहा भाई, डंडा उठा के दे इसके, मारो खोपड़ी पे। ओ वेट भाई, कौन से कपड़े चेक करने गया है वो, हेलो भाई टी शर्ट भाई चेक करके आ गया तू, हेलो अच्छी आंटी है क्या भाई, पता नहीं मेरे को यार। ओके मेरे को अभी जाने का है अपने काउंटर पर, और मेरे को इनसे अपना बिल लेना, इंटरेक्ट विद द कैश रजिस्टर एंड वेट फॉर द कस्टमर। आ चुका है भाई, हाँ जी सर आपका ये ऑर्डर है, ओके आपने को कैश दिया है बहुत बढ़िया, और आपको वापस करना है $86, ठीक है तो $86 वापस करने हैं, और ये 10 का है, 20 का है, 30 का है, तो ये 50 का है, 50 एंड 60 70 80 और इसके $6 देने हैं, 5 and 6 डन। नहीं वो अभी भी गलत आ रहा है यार, और टोटल बैठा है $13 का, हाँ तो उसको 86 वापस तो कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे 10 पैसे भी देने हैं, बड़ी ना इंसाफी है, अच्छा रे चलो भाई मैम थैंक यू। अरे गाइस मैं तो अमीर बन जाऊंगा यार, कितनी जल्दी जल्दी कस्टमर। हाँ जी मैम आपका ऑर्डर बताइए। ओके मैंने आपसे लिया है, आपने कार्ड दिया है मेरे को, और आपका बैठा है मेरे को ये लेना है, ठीक है $13.90 का। कस्टमर इज वेटिंग बिकॉज, अरे वेट यार मैं अकेला कैसे जल्दी जल्दी काम करूँ, ओए भाई गुंडा पहनने, गुंडे क्या करने आया, ठीक है $13.92 भाई, कहा मैंने इसको $2 का खरीदा था, और कहा मैं इसको $13 में सेल कर रहा हूँ, मतलब भाई देखो यार तू मार्केटिंग देखो यार। ओके वापस सब लोग कार्ड देते रहेंगे तो अच्छा रहेगा मेरे लिए, बहुत डन। मैम आप बताओ कार्ड दोगे, कैश कार्ड देंगी मैडम, बहुत सही एंड वापस इसका सेम वो, बहुत सही यार। ओके डन एंड सर आप शर भी कार्ड देने वाले, मतलब वो जो गरीब आया था, गरीब तो नहीं थे सर वो, पर हाँ उसके ऊपर कैश पड़ा होगा यार, हर कोई ऑनलाइन पेमेंट नहीं रखता यार। ओके डन एंड मैम आपने स्पाइडरमैन वाले कपड़े पहन रखे क्या, स्पाइडरमैन नहीं वो हॉगवर्ट्स सेंटर वाली है, ठीक है ओके मैम ने भी कार्ड दिया है, क्या बात है सभी के पास एक ही बैंक का कार्ड है भाई, दबा के ट्रांजेक्शन हो रही है। हाँ जी मैम आपने आपने भी कार्ड दिया है, ठीक है अ कस्टमर कुड नॉट फाइंड पिंक, अच्छा 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 खत्म भाई, खत्म भी हो गए, वेट प्राइस खत्म भी हो गए यार। ओके डन एंड और कोई वापस जाना पड़ेगा, और मेरे को ना अभी इसको बंद करने का, भाग जा उड़ गया ठीक है। हाँ तो मेरे को ना देखो अभी ना और भी चीजें खरीदनी पड़ेंगी, क्योंकि जो मैंने ऑर्डर किया था वो बिक गया भाई माल। एक काम करते फटाफट से जाते हैं मार्केट में, जाते हैं उस पर जो हमने इससे कॉन्ट्रैक्ट किया था ना, वो येलो क्रोपर भी है एंड पिंक क्रोपर भी है, तो दोनों का ना एक एक पैक खरीद लेता हूँ ये एंड डन इस पर जाते हैं चेक पे बाय कर लेते हैं फटाफट से, नाइस ठीक है बाहर निकलते हैं। और मेरा जो ऑर्डर है जस्ट मिनिमम आई गया, ठीक है ये येलो वाला है तो इसको काम करते हैं, इसको येलो को हम यहाँ लगा देते हैं एंड डन, इसको यहाँ पे फटाफट से बहुत अच्छे से। और मैं ना अभी इनको खरीद सकता हूँ भाई, सेल्फ वगैरह मैं खरीद सकता हूँ, बट अभी ना धीरे धीरे काम शुरू करते हैं, देखो अपना बिजनेस शुरू हुआ यार, बिजनेस को अच्छे से करना पड़ेगा ना, तो सही है। ओके डन 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 बहुत सही, जब पिंक भी रखते हैं मैंने येलो भी रखते हैं, इसको फाकते हैं फटाफट, फाकते नहीं फेंकते हैं, ये $13 का इसका प्राइस सेट कर लेता हूँ, क्या पता मैं लूट जाऊँ। ओ ये $14 का है भाई, गाइस प्रॉफिट है यार हमारा $14.90 का ये, इसको अप्रूव करते हैं एंड ये अप्रूव हो चुका है ना, बहुत सही। हाँ प्राइस बहुत सेट हो चुका, फटाफट से इसको ओपन कर देता हूँ मैं वापस अपनी शॉप को एंड कस्टमर आने से हो जाएंगे। मेरे जो अभी चेकआउट चले मेरे को कम से कम 8 कंप्लीट चेकआउट करने थे, उसमें से मैं 6 कर चुका हूँ, और अभी 7वीं शायद से ही हो सकती है। ओ इधर आप, अरे ओ हाँ गाइस सच में तितली है छोड़ कम ऑन, हेलो आ जा अबे ये पहला कस्टमर भी मेरा यही था, और अभी भी यही आया है दोबारा से लगाने के बाद। ओके ओ मैडम आई, मैडम आप तो पक्का येलो लोगी, नहीं यार उसने पिंक किया, ओ पिंक किया, ओए वेट अरे उसको तो जाने दे, हाँ मेरे ये पागल हो भी तुम एक ही में जा रहे हो, मुझे लगता है दो दो लगाने पड़ेंगे चेंजिंग रूम, वरना भाई साहब ये पता नहीं क्या ही हो जाएगा। ओके सर आप बताइए, ओ सर ने दो दो कपड़े लिए बहुत अच्छा, ये हमें से कैश ही देता, ये हमें से ये बंदा हमें से कैश ही देता है गाइस। ओके इसको वापस करने हैं $20.20, वेट व्हाट $20.20 देने ले भाई, मुझे लग रहा है ना कुछ लफड़ा करती है मेरे साथ, पता नहीं क्यों पर मेरे को लग रहा है। हेलो मैम, मैम कैश दे के जा रही हो मैम आप, $6 वापस करने हैं इनको, तो 5 and 1 and 6 पैसा, बहुत बढ़िया मैम पैसा, बड़ी बड़ी बात है, आप जल्दी आ जाओ दीदी पैर में दर्द हो रहा है तुम्हारे, जल्दी नहीं रहा तुम पे यार। हेलो व्हाट्सअप क्या यार मैम, हाउ आर यू मैम, वाओ रंगी बिरंगी टी शर्ट है,
मैं ना अभी और भी अपने सामान भरूंगा शॉप पर, तो आप आते रहना, मेरे पूरा स्टोर यहीं पर आपको अच्छे से मिलेगा, कहीं नहीं जाने वाला मैं, ठीक है। अभी $28.80 का इनका पैसा बैठा है, फटाफट से अप्रूव कर देना, योर स्टोर इज लेवल अप, ओके नाइस। हेलो मैम, जल्दी फटाफट आ जाओ, ठीक है, साइन ए कॉन्ट्रैक्ट विद ब्रांड। अच्छी अच्छी अच्छी, अब मैं लगता है न्यू कॉन्ट्रैक्ट ले सकता हूँ एक न्यू ब्रांड से, ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके। फिलहाल वो पीछे वो बंदा आ रहा है शायद से अपने किसी पार्टनर के लिए लेके जा रहा होगा ड्रेस व्रेस, ठीक है, नो इशू। बट वो चेक करने क्या गया है वहाँ पर? शिट भाई, क्या ही हो रहा है यार, वो चेक करने क्या गया? ये फीमेल की है ना ये, क्या ये मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं? आई डोंट नो, उससे कैश ले लेते हैं फटाफट से, एंड इसको वापस करने कुछ वापस नहीं करना इसको, बहुत बढ़िया। हाँ जी सर, आप बताइए सर, फिटिंग की आ रही है ना, मेरे को बता दो एक बार आप, ठीक है, ओके। तो $13.90 क्लियर, $13.90 एंड डन, अप्रूव। हाँ जी मैम, आप बताइए आपका कितना बैठा है बिल, ठीक है, तो इनका बैठा है बिल्कुल कुछ पे नहीं करना, बहुत बढ़िया, ओके। आइए मैम, आइए, आपको स्वागत है। भाई आओ, दबा क्या हो मेरी शॉप पर यार, बहुत पैसा आएगा मेरे पास, इतना पैसा आएगा कि मैं सब कुछ खरीद लेगा, सब कुछ। ये देखो ये, फिर मैं पता मैं भी कहूंगा, ये जो कंप्यूटर का, ये सोने का है, हाँ ये लड़की भी सोने की है। आयो मैडम, फटाफट से आ जाओ, जल्दी आ जाओ, तो ना धीरे चल रही है तू। अच्छा गाइस, येलो वाले खत्म भी हो गए, नाइस। चलो ये फटाफट से वाले बेक के ना, उसके बाद हम लोग अपने आगे का काम कर लेते हैं, इसको डन करते हैं फटाफट से। मैम ने किया है कार्ड, कार्ड से मैम को पेमेंट करना है $28.80 का, इसको क्लियर करके फटाफट से $80। भाई मैं नहीं छोड़ने का एक, बट अच्छा 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 अच्छा, हम लोग अचीप ही पची भी चीटिंग नहीं कर सकते, ठीक है ना, ओके डन। एंड $13.90 पैसा, ओ डन, वेट, बहुत बढ़िया। आइए आइए और आइए जल्दी से, लास्ट तीन सीट, तीन टी शर्ट बच रही है पिंक कलर की, उसके बाद हमें अच्छे करने वाला। आइए ना यार, जल्दी आ जाओ फटाफट से। चलो एक काम करते हैं, इतने कस्टमर आते हैं ना, इतने हम लोग दूसरे वाले उससे ब्रांड से ना वो कर लेते हैं, यहाँ से वापस से इस पे जाते हैं, एंड यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट पे जाके ये हमको नया ब्रांड मिला है BNT बुल डीर, ठीक है, इसको फटाफट से साइन कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, बहुत बढ़िया, साइन कर लिया से बहुत गजब। अब मैं इसके ना एक चांसेस के न्यू मार्केट में, देखो ये रहे, देख रो ये वाला हिलेरी पैलेस की जो ब्रांड थे दोनों के, ठीक है, और ये वाला है BNT के। वेट, अभी मैं एंड करूंगा बाद में, बट मैं सोच रहा हूँ पहले कोई आ जाए या फटाफट से इन तीनों को भी ले जाए तो अच्छा रहेगा ना। आ जाएगा तो वापस आके चली जाती है, क्या हुआ तेरे को, पसंद नहीं आ रहा क्या कुछ? दूर से देखने में तो सब अच्छा लग रहा है, पास में आने में अच्छा लग रहा है। आंटी आप पिंक कलर का बहुत अच्छा जमेगा, वैसे भी देखो आपने वॉलेट कलर पहन लगा ना, तो पिंक कलर आप बहुत स्टाइलिश लगेगा, ठीक है, बात वैसे स्टाइलिश दुनिया तो है ही अपनी मस्त भाई, ठीक है। अरे अरे आंटी 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 भगा दूंगा तुम्हें, अरे भाई उसकी कटिंग देखो यार तुम एक दफा, भाई वो गाइस आ नहीं रहे हैं बंदे, क्या पता उनको देख। अच्छा स्टोर इज क्लोज, वेट किसने बंद किया? अच्छा अच्छा लगता है टाइमिंग वगैरह का इशू है, ठीक है, तो डन करते हैं फटाफट से, हमारी डे यहाँ कंप्लीट हो चुका है, फटाफट चलते हैं नेक्स्ट डे पर, ठीक है, ओके गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो हम लोग आ चुके हैं अपनी दोबारा से दूसरी डे पे, से फटाफट ओपन करते हैं यहाँ से ना, हम ये काम करते हैं फटाफट से ना, इसको भी एड कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, मतलब एड टू कार्ट कर लेते हैं भाई, ठीक है। और मैंने थोड़ा इक्विपमेंट वगैरह भी, टी शर्ट वगैरह भी और टॉप्स वगैरह अभी कुछ नहीं आया, बस यही आया, ठीक है, तो बाकी इक्विपमेंट में जाता हूँ और मैं ले लेता हूँ वो टांगने वाला क्या चीज़ था, वो क्लोथिंग रैक था, ये डबल क्लोथिंग रैक है और ये थ्री वे स्प्रिट, अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं ये ले लेता हूँ ना, ये दो ले लेते हैं हम, क्या बात करते हो, आ जाएगा ना, हाँ आ जाएगा, मामला आ जाएगा बिल्कुल, एक सेकंड रुको ना, एक सेकंड रुको रुको रुको, यहाँ पे जाके मैं ये वाले ब्रांड भी ले लेता हूँ, मेरे बैठा $303 बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया गजब, ओके। हाँ सर आप ऑलरेडी आ चुके ना, वेट सर, क्या करूँ मैं अकेला काम करता हूँ यहाँ पे अपनी शॉप पर, कोई आना पसंद नहीं करता यार, कोई काम वाम पे आ जाए तो मैं काम पे लगाऊँ उसको, अच्छा खासा मेरे को भी शांति से मिली थोड़ी, ओए तो मैं ठंड नहीं लग रही तेरे को, अच्छा कैसे को ये और बिक जाए तो मैं फिर साथ साथ उसको भी लगा दूंगा दुकान को बंद करके, अदरवाइज भाई जो इनका प्राइस है वो इसी सेम प्राइस में मैं बेच दूंगा। बाकी यहाँ पे कोई आता जाता क्यों नहीं है, ये इतना बंद क्यों कर रखा है इन्होंने, ये कोई बताएगा? देख रही यार रास्ता बिल्कुल सुनसान, कोई है नहीं, कुछ भी नहीं है, पीछे का एरिया ही बंद है, कुछ छोटा छोटा आ गया था मेरी शॉप पे, कुछ आगे ले गया तो कुछ वो, ठीक है। हेलो, हाँ जी मैम, ठीक है, पर देखो इन्होंने टी शर्ट बदली गई, पहले ये रेड कलर की गोश सेंटर पहन के आई थी, हाँ तो आपको कुछ वापस नहीं करना, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, ठीक है, आते रहना आप लोग, कार आपका खर्चा कराते रहो, ओके ओके, दे दो ये लास्ट लड़की है, फटाफट से इसका बिजनेस में निपटाता हूँ, ठीक है। भाई इसके बाल देखो यार तुम एक दफा, अच्छा 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 पीछे से कुछ अलग ही लग रहा है मामला इसका, बालों का यार, ठीक है ओके। तो बाकी कस्टमर कुछ नहीं मिल रहा, मेरे को पता है वो लास्ट वो आ रही है ना, उसको मैं बेचने के बाद भगा दूंगा, मतलब क्लोज बंद कर देंगे शॉप को, ठीक है। हाँ जी बताइए फटाफट से, एंड आपने कार्ड देना, यार कैश दे रही है मैडम आप, $6 वापस करने को, 5 and 6 and 10 पैसा, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, फटाफट से इसको बंद कर देता हूँ ताकि मेरे पॉइंट्स ना कटे। ऑलराइट, अब मैं फटाफट से एक काम करता हूँ, मैं ले वो रैक लेके आता हूँ, यहाँ से मैंने रैक उठाया था ना, इसको फटाफट से मैं प्लेस करता हूँ, अच्छा लगेगा गाइस ये, ठीक है।
थोड़ा सा ये अच्छा है ना। हाँ बिल्कुल अच्छा है। एक यहाँ लगा दिया है, एक रैक और लेकर आते हैं, फटाफट से इसको उठाते हैं और यहाँ पर बोर्ड लगा देते हैं। रुको मैं ना अच्छे से इसको डेकोरेट करके लगाएंगे तो क्या अच्छा लगता है। ठीक है ओके डन। एंड में से लेके आएंगे हम क्लॉथ। तो देखो ये वाला हिलरेस वाला है, तो मैं इसको तो ये येलो टॉप है तो येलो वाले को तो मैं यहाँ लगाने वाला हूँ। ठीक है डन 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 एंड वॉटर इस डब्बे को फेंक देते हैं फटाफट से। एंड वो पिंक वाला उठाते हैं, पिंक वाले को हम लोग इस साइड लगाते हैं जो कि हमने लास्ट टाइम लगाया था। ठीक है इसको फटाफट से हम लगा देंगे, उसके बाद हम लोग चलते हैं जो हमने नया आइटम लिया है न्यू ब्रांड से। ठीक है तो फटाफट से इसको उठाते हैं। ये है BNT यानी कि बुलेट टीपर, ये है बेसिक टी शर्ट है। ठीक है टर्क्विस ट्वेरकिस पता नहीं भाई मेरे को नहीं पता इतना क्या लिखा हुआ है, अलग ही ब्रांड होगी, चलो कोई बात नहीं अलग ही कपड़े होंगे। ऑलराइट इसको फटाफट से उठाते हैं। अभी रेड वाले को हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं फटाफट से। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि ये बता देता है कि कितना प्राइस चल रहा है आजकल यहाँ पर बेचने के लिए। ठीक है तो हमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो जैसे मैं अभी यहाँ पे जाऊंगा ना तो ये देखो तुम यहाँ पे प्राइस ही बता रहा है $12 का, तो मेरे लिए ईजी है ना, मेरे को बार बार कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है एक काम करता हूँ मैं इसको $13 के बेच देता हूँ, डन अप्रूव कर देते हैं, बहुत बढ़िया ओके। एंड ये इसको $22.90 का प्राइस चल रहा है इसका, तो मैं $23 का बेच देता हूँ पूरा। ठीक है अप्रूव भाई, थोड़ा बहुत तो हम भी अपना दिमाग चलाना चाहिए ना। ओके ओपन करते हैं बहुत ही। अब देखो गाइस बंदे क्या आने वाले, जबरदस्त आने वाले बंदे। ठीक है और मैं सोच रहा हूँ एक ये लगा ही लेता है यार, बट मैडम ने आते ही सबसे लंबी लंबी चीजों पर हाथ मार लिया भाई। ये सही है भाई, वो बुढ़िया है यार, उसके पीछे से बाल वाइट है यार। ओके डन 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 डन। एंड ये क्या है, ये भी मेरा ये वाला बंद है बट ये वाला ओपन है। शायद से मैं जब अपनी शॉप को एक्सपेंड करूंगा ना तो ये वाला ओपन हो जाएगा। ठीक है बट अभी उसका इतना नीड नहीं है मेरे को, मैं अभी छोटी सी शॉप पे अपना काम चला लूंगा। ओके मैम को ऑर्डर बैठा है $36 का, नाइस यार। ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को, नहीं सही है ओके ओके पता नहीं बार बार ऐसा क्यों लगता है। देखो 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 रुका जो बिक गया ना, बिक गया वो माल, थोड़ा सा पैसे पड़ा हो गया यार। ठीक है नाइस ओके डन। एंड अब बताओ मेरे को और कोई आता है मेरी शॉप पर, जल्दी जल्दी आओ यार, स्टाइलिश दुनिया अच्छी लगनी चाहिए गाइस। देखो शायद से जब मैं इसको और भी एक्सपेंड कर दूंगा तो शायद से ये वाला एरिया भी, अबे हाँ ये वाला एरिया भी एंड वो आगे वाला एरिया भी शायद से मेरा हो जाएगा। ठीक है जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी बात है और बाकी सब बढ़िया यार। ऑलराइट एक काम करता हूँ मैं थोड़ा सा अपने कंप्यूटर पर ना चेक करता हूँ कि देखते हैं क्या क्या चीज़ में मैं कर सकता हूँ। ज़्यादा यहाँ से निकलता हूँ, देखो यहाँ पर है वर्कर्स जो कि मैं खरीद सकता हूँ। रिक्वायरमेंट्स नॉट मीट, अच्छा मेरे को level 7 तो देखो मेरे को मिनिमम level 7 तो मेरे को चाहिए चाहिए अगर मेरे को कोई वर्कर रखना है अपने उस पर। ठीक है ओके मैं समझ गया। एंड एक्सपेंशन का क्या है कि मेरे को एक्सपेंशन कर सकता हूँ, इसलिए मेरे को मिनिमम level 5 चाहिए ओके। बाकी देखो वेयर हाउस का एक्सपेंशन कर सकता हूँ, स्टोर का एक्सपेंशन कर सकता हूँ जो मैं आपसे कहा था। ठीक है बहुत बढ़िया। एंड यहाँ पे मैं बैंक वगैरह से भी ऐसे में भी लोन ले सकता हूँ, $1500, $3000, $5000, $15000, $30000 एंड पूरा $50000 का, बहुत सही है। बट मिनिमम लेवल हमको 4 चाहिए और मैं सोच रहा हूँ कि मैं यार लोन नहीं लूँ क्योंकि फिर ना मैं उतार नहीं पाता हूँ, मेरे को पता है मैं पहले ही बहुत गेम खेल चुका हूँ और फिर मैं फंस जाता हूँ। ठीक है बाकी ये क्या है, इन्वेंट्री है, अच्छे अच्छे डायरेक्टली मैं यहाँ से कर सकता हूँ। देखो मेरे स्टॉक में भी कुछ भी नहीं है बट मेरे स्टोर पे सारा सामान है। ठीक है तो मैं यहाँ पे ऐड करके डायरेक्टली यहीं से चेकआउट कर सकता हूँ, अच्छे मेरे को बार बार ना वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है और वॉलपेपर से मैं वॉलपेपर बदल सकता हूँ सिस्टम के, तो फैशन का हमारी स्टोर है तो हम लोग ये काम करते हैं, ये वाला तो लगा ही देते हैं कोई बात। ये तो विंडो वाला वॉलपेपर है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है रियल विंडो वाला। बाकी यहाँ पे यूनिफॉर्म वगैरह भी है जो कि हमारे कैशियर के एंड स्टोकर की है, नाइस गजब भाई गजब ओके। एंड ये क्या है, कंप्यूटर, ओ अच्छा हमारे पे टैबलेट आ जाएगा level 20 पर भाई, बहुत ज्यादा। ओए वेट भाई गाइस तबाही मच गई तबाही, मैं तो पागल हो गया, तो मैं वो चीज देख रहा बंदे पीछे खड़े हुए दबा के भाई 27 पॉइंट, कोई जाना मत यार, मैं अभी अभी सबका अप्रूव देता हूँ। वेट मैं तो गाइस भूल ही गया था यार कि बंदे आए हुए यार। ओके 28.80 पैसा एंड अप्रूव। एंड मैम आप बताओ फटाफट से, मैंने कैश से कैश मत हो यार अभी। ठीक है 50, 60, 70 एंड 10, 10 अरे फाइट मैंने कुछ ज़्यादा दे दिया है, मैं वापस कैसे लूँगा, 50 एंड 60 70 एंड हो गया ना। अच्छा 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 $1 और देना है इसको, ले थैंक यू तो मत, अरे ओके 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 मैम बस थोड़ा सा रुक जाओ यार, मैं थोड़ा सा बिजी चलूँ, आपको कुछ नहीं पेनिंग नहीं करना है। 26.00 26 ही कर देना इसको तो। ठीक है हाँ जी मैम आशा आप बताइए, सर ने कार्ड दिया, सर का बैठा है $36 का, $36.90 एंड डन अप्रूव। ठीक है वेट एंड इसको फटाफट से मैं पे करता हूँ, और ये $0 का, इसको कुछ नहीं करना। हाँ जी सर आप बताइए फटाफट से ऐसा, और भाई इसने पहली बार जाकर मेरे को कार्ड दिया वरना ये कैश ही देता है हमेशा। ठीक है $26.90 डन, थैंक यू सो मच। एंड ओहो हीरो है भाई साहब तू तो यार, साउथ का हीरो है क्या। ओके 28 पॉइंट भाई वो लगा स्मार्ट रहा है, ये देख रहे हो तुम, ये देखो कुछ गया वो भाई। ओके मैम आप बताइए
मैम का ऑर्डर बैठा है 26.92 लगा से 26.90 का, बहुत सही। ओके फाइनली गाइस हमने कंप्लीट कर दिया और मैंने अभी 594 हमारे पास डॉलर पैसे हैं। सर हमने काफी अच्छी तरक्की भी करी है, ठीक है। स्टॉक को एक बार क्लोज करके देखते हैं कितना कमाया। देखो -$86 में मैं अभी भी गया हूँ, 58 प्लस मेरे को एक्सपी मिली। देखो इनकम मेरी है $336, ठीक है। बाकी सप्लाई कॉस्ट, रेंट कॉस्ट मिलाकर, इक्विपमेंट कॉस्ट मिलाकर मेरा इतना बैलेंस अभी भी रहा है, बट मैं सब कुछ कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको मजा आएगा इस वाले वीडियो में, तो फटाफट लाइक बटन दबा दो, मेरे को कमेंट में बताओ कि मेरे को इसका नेक्स्ट पार्ट लाना चाहिए नहीं, ठीक है। अगर चाहते हो तो पार्ट टू के लिए कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं सब्सक्राइबर 5000 का है, ताकि मैं जल्दी से ना उस केक को काट सकूं 5000 वाले को और आप सबको भी खिला सकूं, ठीक है। एंड गिव अवे पक्का करने वाला हूं 5000 पे, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलो मिलते हैं ना द गेम प्ले, तो अभी क्लिप बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।